हेलो एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड असीम भारद्वाज दिस साइड योर होस्ट दोस्त। और आज की जो वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मेरे साथ हैं यहाँ पे राकेश जी जो अभी रिसेंटली थाईलैंड ट्रैवल करके आए हैं और एक लाइव सेशन में हम मिल भी चुके हैं, काफी लोग पहचान भी जाएंगे। तो राकेश जी वेलकम टू अवर चैनल। हेलो सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और स्पेशली डिटेल में काफी फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमने काफी चीजें नोट करके रखी हैं और अपने एक्सपीरियंसेस जो है ये शेयर करने जा रहे हैं। 9 बार ये थाईलैंड जा चुके हैं, शायद 10वीं बार है। 10वीं बार है ये 10वां ट्रिप था इनका शायद थाईलैंड का, इफ आई एम राइट। तो आज हम इनके साथ जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए बहुत जाननी जरूरी है अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं हाल ही में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। और शुरू करने से पहले यार थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल बटन नोटिफिकेशन को हिट करेंगे तो आने वाली सभी तमाम वीडियोस के बारे में आपको इसी तरीके से पता लगता जाएगा। एंड ऑल्सो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक। लेट्स बिगिन। सो राकेश जी वेलकम बैक टू इंडिया। थैंक यू सो मच सर। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं थाईलैंड में घूम रहा हूँ। अच्छा, और मेरे को वापसी जाना है वहाँ पे, मेरे को यहाँ नहीं रहना। काफी लोग ये समझते हैं थाईलैंड में ही है। अरे सर पूछिए मत, आप हफ्ते 10 दिन तो आप मतलब उसी ओरा में रहते हैं, उसी एटमॉस्फेयर में, आपके दिमाग में वही चीजें घूमती रहती है, यार मैं इस समय वहां पर था, मैं इस समय ये कर रहा था। तो हमारा मोटिव आज इकट्ठे होने का, आसिम भाई को मिलने का ये था कि बहुत सारी सब कंफ्यूजन जो है, मैं कई बहुत ज्यादा अपने फेसबुक पे और जो सोशल मीडिया है मैं उस पर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहता हूँ, और मैं मोस्टली थाईलैंड के जितने भी ग्रुप्स हैं उस पर ऑलमोस्ट मैं सब में एक्टिव रहता हूँ। और मैं वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, लोगों के सवाल आते हैं, इंक्वायरीज आती हैं, मैं उनको जवाब भी देता हूँ, लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड भी करता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना लोगों को नहीं पता होती हैं, लेकिन वो ना लोगों को गाइड मिसगाइड कर रहे हैं कुछ लोग जो हैं। अब मैंने आज ही एक मैंने शाम को एक हमारा एक ग्रुप है उसके अंदर मैंने देखा, उस बंदे ने किसी बंदे ने पूछा था कि वीजा अराइवल के डेज जो है वो कितने दिन तक वैलिड रहता है। तो उसका ये है कि 15 दिन के लिए आपका वीजा और अराइवल वैलिड है, आप 15 दिन तक रह सकते हैं वहां पे, 15वें दिन के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 15 दिन से पहले ही एग्जिट कर दीजिए कंट्री को, बेटर रहेगा। क्योंकि थाई इमिग्रेशन इतना स्ट्रांग और इतना स्ट्रिक्ट है कि आप वहां पर जाके आप अपनी बात उनको कुछ भी कहना चाहेंगे ना तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपको या तो पेनल्टी लगा देंगे या नहीं तो उनके पास जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको पेनल्टी दे देंगे, या नहीं तो जो भी उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपका वो आपको सजा दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थाईलैंड इमिग्रेशन बहुत स्ट्रांग है और बहुत दे आर वेरी यू नो कि वो लोग किसी की बात को सुनते नहीं है किसी भी चीज तरीके से। वो आपको या तो रिटर्न कर, जैसे आप मान लीजिए आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, आपका वीजा अराइवल है, आप आते हो वहां पे, ठीक है, पहली बात मैं आपको ये बोलूंगा कि आप वीजा अराइवल, मैक्सिमम लोग वीजा अराइवल लेते हैं। मेरा केस क्या था, मैंने स्टिकर वीजा लिया था क्योंकि मेरे को 60 दिन का स्टिकर वीजा लेना था और मेरा कुछ प्लान इस तरीके का था कि मेरे को वीजा अराइवल लेना ही नहीं था, मेरे को अपना टाइम सेव करना था, मेरे को कहीं और आगे सिटी में निकलना था, तो उसके लिए मेरे को स्टिकर वीजा यहां से लेके जाना था। तो मैंने स्टिकर वीजा लिया था जो कि आपका 90 डेज की वैलिडिटी के लिए मिलता है, मैं आपको आज फिर दोबारा बता रहा हूँ, 90 डेज की वैलिडिटी के लिए मिलता है। 60 डेज तक आप रुक सकते हैं उस स्टिकर वीजा पे कंट्री के अंदर, राइट, उससे ऊपर नहीं रुक सकते, आपको मतलब 2 महीने का स्टे मिलेगा। आप 30 दिन रुकिए, 45 दिन रुकिए, 60 दिन रुकिए, वो आपके ऊपर है, बट आपको 60 डेज से ऊपर वो अलाउ नहीं करेंगे। या तो आप मल्टीपल एंट्री वीजा ले लीजिए उसका थाईलैंड का। तो जो आपका सिंगल एंट्री वीजा है, स्टिकर वीजा जो है, जो आपको VFS ऑफिस से मिलता है यहाँ से दिल्ली से या पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो उनकी ब्रांचेस है वहां से, वो आपका पड़ता है 3,000 रुपए का, 2,500 रुपए थाई एम्बेसी की फीस रहती है और 500 रुपए जो है VFS के चार्जेस रहते हैं। उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी क्या क्या लगती है वो भी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए 3.5 4.5 स्पेक्स के साथ में, 2 कलर्ड फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। एक आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि आपकी बैंक से अटेस्टेड हो। आपका जो आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि जी $700 होने चाहिए आपके बैंक बैलेंस, रनिंग बैंक बैलेंस जिसको हम कहते हैं। ये नहीं कि मतलब आपने अगर आज जाना है तो आप 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो आप उसके अंदर पैसा उसके अंदर डाल दो अपने अकाउंट में और उसके अंदर पैसा ना हो, आप उसके अंदर अपना फंड शो कर दो,
वो क्या होगा, वो आपका ना नेगेटिव हो जाएगा, एम्बेसी को ये पता लग जाएगा इस बंदे ने जाना है और ये आप फंड्स जो है आप शो कर रहे हैं इमीडिएटली, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी आपको, एम्बेसी जो है आपका वीजा नहीं दे पाएगी आपको। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वीजा ना दे, मेरे को 99% चांसेस है कि वीजा उसके ऊपर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि ये इस बंदे ने फंड डाले जाने के लिए। ठीक है, आपका रनिंग बैलेंस होना चाहिए, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और वो बैंक से अटेस्टेड होने चाहिए, हर पेज पे स्टैंप और सिग्नेचर होने चाहिए वेरीफाइड किए हुए बैंक की तरफ से, पहली चीज। दूसरी चीज आपको चाहिए वीजा फॉर्म भरा होना चाहिए आपका, उसके साथ में आपकी चेकलिस्ट एक भरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आपका पासपोर्ट होना चाहिए आप जो देंगे 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में, होटल की आपकी बुकिंग होनी चाहिए पूरी की पूरी, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक की, अगर पेड हो तो बहुत बढ़िया, नहीं होती है तो आप प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको होटल बुकिंग जो है ये आपको कलर्ड प्रिंटआउट देने हैं आपको, उसके बिना आपका नहीं चलेगा, कलर प्रिंट ये जरूरी है, कलर प्रिंट आउट बहुत जरूरी है इसका। तो आपको साथ में देनी है रिटर्न फ्लाइट टिकट। अब रिटर्न फ्लाइट टिकट के ऊपर कई लोगों की एक धारणा होती है कि यार मैं अभी जा रहा हूं, मैं बुक क्यों कराऊं वापसी की, मैं वहां जाके देखूंगा। नहीं, आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट देनी है और वो भी जरूरी है, और वो भी कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। स्टिकर वीजा के केस में बता रहा हूं मैं अभी आपको, अभी मैं आता हूं वीजा ऑन अराइवल पे। वीजा ऑन अराइवल पे आपका क्या है कि आपको एक फॉर्म भरना है, वीजा ऑन अराइवल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपको एक फोटोग्राफ लेके जाइएगा, फोटोग्राफ याद रखिएगा, वरना क्या होगा 300 बाट की आपको फोटोग्राफ खिंचवानी पड़ेगी। 300 बाट का मतलब हो गया 600 रुपए आपको एक वहां पर जाके फोटोग्राफ के पे करने पड़ेंगे, जो कि आपको एयरपोर्ट पे बहुत कॉस्टली पड़ेगी। जो यहाँ पर आपकी 100 रुपए का काम होगा इंडियन करेंसी में, वहां जाके आपका 700 रुपए का काम होगा। तो इसीलिए आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं बार बार, आप अपना फोटोग्राफ कैरी करिएगा। ठीक है, 3x4 स्पेक की चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीजा ऑन अराइवल फॉर्म आपका भरा होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए उसके अंदर, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। और वहां पर आप जाके कहें कि जी आप मेरी बैंक स्टेटमेंट देख लो, मेरी बैंक स्टेटमेंट देख लो, इसके अंदर मेरे 2 लाख रुपए फंड है, उनको कोई मतलब नहीं आपके कितने फंड है आपके इंडिया के अंदर, वो देखेंगे आपकी हार्ड मनी कितनी है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि आपके पास में जेब में पैसे कितने हैं, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, 2000 रुपए वीजा ऑन अराइवल फी है। अगर आप फास्ट ट्रैक फैसिलिटी लेते हैं तो 200 बाट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक तरफ। अब इसके अलावा फंड आपकी जेब में कितने होने चाहिए, एज पर द इमिग्रेशन लॉ ऑफ थाईलैंड टूरिज्म लॉ ये कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल सिंगल जा रहे हैं तो आपको 10,000 थाई बाट आपकी जेब में होने चाहिए मिनिमम कह रहा हूं मैं आपको। 15 लेके चलो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है। 17 लेके चलो, 20 लेके चलो बहुत बढ़िया है। मिनिमम 10,000 थाई बाट आपकी जेब में होने चाहिए। अगर आप फैमिली जा रहे हैं, एज ए कपल जा रहे हैं, तो आपके पास में 20,000 थाई बाट होने बड़े जरूरी है। अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ने वहां पर या लॉ वहां पर जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं एयरपोर्ट पे अथॉरिटीज ने अगर आपसे पूछ लिया कि आप अपना मनी पैसे दिखाइए, तो अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आपको रिटर्न कर देंगे वहां से, वो कुछ नहीं सुनेंगे आपसे, कोई मतलब नहीं है उनका, कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है कि कई बार मैं कई कमेंट्स पढ़ता हूँ कई अपना ग्रुप्स के अंदर कि भाई मेरे से तो पूछा नहीं गया। अरे भैया, तुम्हारे से नहीं पूछा गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे से भी नहीं पूछा जाएगा। ये तो वीजा ऑफिसर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किससे पूछना चाहता है, किससे नहीं पूछना चाहता। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, उसको लगता है जेन्युइन बंदा है, तो वो आपसे हो सकता है कि कुछ भी ना पूछे और आपको ऐसे ही वो वीजा ग्रांट कर दे, चला जाए, आप एंट्री ले लो। लेकिन आपकी जेब में पैसे होने बड़े जरूरी हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वहां जाके आप अपना टाइम मत खराब करिए, अपनी कंट्री का नाम मत बदनाम करिए, अपना नाम मत बदनाम करिए, दूसरों की बातों में मत आओ, दूसरों की बातों में बिल्कुल भी मत आओ। आप अपनी जेब में पैसा लेके चलो और अपनी जेब में पैसा रखो। अगर वहां से अगर आपको रिटर्न कर दिया गया, तो सोचो कि आपने जितने मेहनत से अपना एक ट्रिप बनाया, आप ये सोच के जा रहे थे कि मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, खुशी खुशी इंसान घर से निकलता है, और वहां से आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए या कुछ ऐसा मिस इंसिडेंट हो जाए, तो कैसा लगेगा आपको? आपका सारा पैसा बर्बाद, जितना पैसा आपने लगाया होगा अपनी बुकिंग्स पे, फ्लाइट पे, सब कुछ वापसी, और उसके बाद अलग से फिर एयरक्राफ्ट वाले जो एयरलाइंस होती हैं, वो आपको ब्लैकलिस्टेड भी कर सकती हैं। कई बार ये भी होता है कि वो ब्लैकलिस्ट भी कर दें आपको, आगे आने वाले टाइम में अगर आप उनके, जब आप उनको अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह या बुकिंग करने जाओ, तो हो सकता है कि वो आपकी बुकिंग एक्सेप्ट ना करें, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि जब आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो उस समय क्या होता है कि
एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उनके ऊपर ये सारा खर्चा जाता है, क्योंकि इमिग्रेशन वालों ने तो आपको डिपोर्ट कर दिया, उनकी तरफ से तो आप डिनाई हो गए कि आपकी एंट्री नहीं होगी, आप वापसी कैसे होगे वहां से। तो जिस एयरलाइन जो आपको लेकर आई है वो इमिग्रेशन वाले उनको हैंडओवर आपको कर देते हैं कि आप भाई साहब इनको लेकर आए थे, आप इनको वापसी ले जाइए अपनी कंट्री में वापसी। तो उसका जितना भी खर्चा होता है सारा का सारा वो एयरलाइन के ऊपर बर्डन पड़ जाता है आप लोगों का। तो इसीलिए प्लीज आप अपने पैसे कैरी करके चलिए, किसी की बातों में मत आओ। अगर उसके साथ नहीं पूछा गया उसको, तो आप ये मत समझो कि आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जा सकता है। तो आप ये मान के चलो कि मेरे को पूछेंगे, तो आप अपनी जेब में पैसे रख के चलिए, और कोई क्रेडिट कार्ड, कोई बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी जो है आपको नहीं दिखानी है वहां पे, और ना ही ना वो आपको पूछेंगे और ना वो आपके एक्सेप्ट करेंगे उसके, आपका हार्ड कैश एक्सेप्ट किया जाएगा और वही देखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने आपको बता दिया कि आपको वीजा अराइवल फॉर्म भरना है, आपको एक फोटोग्राफ देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में आपकी जेब में करेंसी होनी चाहिए, आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, रिटर्न टिकट होनी चाहिए या ऑनवर्ड जर्नी होनी चाहिए। जैसे सपोज करो आपने प्लान किया जी मैं थाईलैंड जाऊंगा 5 दिन के लिए, उसके बाद मेरा वियतनाम जाने का मन है, तो ठीक है आप एयरपोर्ट पे गए, आपने वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, आपका उन्होंने चेक किया, उन्होंने मांगी आपसे रिटर्न टिकट, अब आपने जाना है 5 दिन के लिए थाईलैंड, आप गए 5 दिन के लिए थाईलैंड, उसके बाद आपने वियतनाम जाना है, तो वो ये चेक करेंगे कि ये बंदा जो है या तो अपनी होम कंट्री में वापसी जा रहा है, या नहीं तो ये बंदा जो है आगे वियतनाम जा रहा है, तो उसकी टिकट जो है पीएनआर जो है वो वैलिड है या नहीं है, और वो कंफर्म टिकट है या नहीं है। टिकट कंफर्म होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि डमी टिकट लगा दो आप, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और ना ही वो लेंगे। और वो वही मैं कह रहा हूँ, वो अगर आपके डॉक्यूमेंट कम हुए या कुछ हुआ या पैसा कम हुआ तो आपको डिपोर्ट कर देंगे उठा के सीधा, और कुछ नहीं सुनेंगे वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। एक मेरे को बंदे ने बोला कि मेरे पास पैसे उस समय नहीं थे, बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको, मेरे को एक बंदे ने कमेंट में बोला, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा अगर आपको छोड़ दिया तो इसका मतलब सबको छोड़ देंगे। तो वो बंदा आगे से मेरे से आर्गुमेंट करने लग गया, कह रहा है कि मेरे को आपको पता है वीजा ऑफिसर आया, वो मेरे को साथ में लेके गया एटीएम। ये सब बेकार की बातें भाई, कोई वीजा ऑफिसर नहीं आता आपको एटीएम ले जाने के लिए, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको एटीएम लेके जाएंगे और आपके पैसे निकलवाएंगे वहां से, उनको कोई मतलब नहीं, इतनी भीड़ है और इतना रश है वहां पे, उन लोगों के पास में टाइम ही नहीं है ना, वो आपके फ्री बैठे हुए हैं। हाँ अगर आप फास्ट ट्रैक से जाना चाहते हैं तो 200 बाट आप एक्स्ट्रा पे कर दो और उसके बाद आप चले जा सकते हो सकता है कि वहां पर आपसे इतने सवाल जवाब और आपकी इतनी डॉक्यूमेंटेशन ना पूछी जाए। बट फिर भी मैं आपको ये बात बोलूंगा कि अगर उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर ने अगर आपसे बोल दिया कि आप पैसे दिखाओ, तो अगर आपके पास नहीं हुए ना पैसे तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। देखिए राकेश जी, एक चीज मैं इनको वही चीज हमने जो बात की आपने ऑलरेडी कवर कर दी है, लेकिन बेसिकली बताने का तरीका ये है कि पैसे थोड़े ज्यादा लेके चलें। बिल्कुल 10,000 थाई बाट के ऊपर क्यों लेके चलें? क्योंकि 10,000 थाई बाट अगर आपके पास है, इसमें से 2,000 जो थाई बाट है आपके कंज्यूम होने जा रहे हैं जब आप वीजा ऑन अराइवल की फीस की उसकी कॉस्ट दें। बिल्कुल, मैं ही कहना, मैं भी ये बोल, अब रह गए 8,000, अब रह गए 8,000, अब आपने पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, कैश देखेंगे 10,000, आपने दिखा दी 10,000, क्योंकि 10,000 उसमें लिखा है, इनके जो गाइडलाइंस है वो पहले देखेंगे, फिर उनको ख्याल ये आता है इमिग्रेशन ऑफिसर को कि भैया 2,000 थाई बाट तो ये यहीं पे करेगा एयरपोर्ट पे, और रह गए इसके पास 8,000। नहीं, ख्याल नहीं, ये हुआ है वहां, हुआ है वहां पे कि एक बंदे ने उन्होंने पूछा कि आपके पास पैसे कितने हैं, तो उसने बोला कि जी मेरे पास 10,000 थाई बाट है। उन्होंने कहा ठीक है 10,000 थाई बाट तो आपके पास है, 2,000 बाट तो आपके वीजा फी के निकल गए, आपके पास बचे 8,000, आपके पास पैसे कम है, आप जाइए वापसी। बिल्कुल, उसको डिपोर्ट कर दिया वहां से उन्होंने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जहन में आती है, दिमाग में आती है, वो ये है कि एयर सुविधा। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली अपने चैनल के थ्रू एक वीडियो डाली, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। और हमने आपको ये बताया कि जो चेंजेस एक्सपेक्टेड थे वो चेंजेस अब हमें देखने को मिल रहे हैं एयर सुविधा पे। एयर सुविधा भरना जरूरी है अभी भी, एक बेसिक सा फॉर्म रह गया है, वैक्सीन के सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर अपलोड करने की जरूरत पड़ती है अगर आपको, तो नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि वो जो ऑप्शन है अपलोड करने का डॉक्यूमेंट को उन्होंने हटा दिया। तो एक बेसिक सा फॉर्म है जो आपको भरना है, दैट्स इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट ना कराएं या वैक्सीन के सर्टिफिकेट लेके ना चले, राइट? उनकी हार्ड कॉपीज जो है आपको लेके चलनी पड़ेगी, बस फर्क यह है कि अब आपको वो अपलोड नहीं करने पड़ेंगे एयर सुविधा पोर्टल पे। राकेश जी, क्या इनपुट है आपके हिसाब से? मैं आपको बताता हूँ, अभी एयर सुविधा के पीछे, अभी जब मैं वहां से वापसी आ रहा था, जब थाईलैंड से, तो मेरी बोर्डिंग थी, ठीक है, मैं लाइन में लगा हुआ था, तो मेरे साथ में ऐसे ऐसे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटेड लग रहे थे वो मेरे को, और किसी कॉर्पोरेट कंपनी से बिलोंग कर रहे थे। मेरे को आगे पूछते हैं कि एयर सुविधा फॉर्म अभी भरना है,
मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई एयर सुविधा फॉर्म भरना है, अभी आप एयरपोर्ट पे खड़े होकर ये पूछ रहे हो, बोर्डिंग पास ले जाने लेने के लिए जा रहे हो आप, तो आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि एयर सुविधा फॉर्म भरना है। अरे भैया भरना है वो, मैं जब बोर्डिंग पास लेने गया तो मेरे को उसने छूटते ही मेरे को सबसे पहले वहां पर जो काउंटर पे बंदा बैठा हुआ था उस बंदे ने मेरे को पूछा कि वेयर इज योर एयर सुविधा। तब मैंने उसको अपने मोबाइल फोन में उसको खोल के मैंने दिखाया, 24 घंटे पहले भरना होता है। आपको ये भी बात बता दूं कि एयर सुविधा फॉर्म जो है आपको 24 आवर्स पहले भरना है, उससे पहले नहीं भरना आपको। आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से फ्लाई कर जाता हूँ और मैं अभी भर के चला जाता हूँ, तो वो नहीं होगा। 24 घंटे पहले आपको एयर सुविधा फॉर्म भरना है और ये कंपलसरी है और मैंडेटरी है। अब क्या हो गया, अब जैसे असीम भाई ने बताया चेंजेस हो गए हैं, तो अब तो बहुत ज्यादा और आसान हो गया। अब तो क्या है, अब तो सिर्फ जैसे एक फॉर्म, एक कागज का फॉर्म होता है, हम भरते हैं, हम हर चीज भरते हैं, वैसे ही कुछ है। आप वहां पर जाइए उनके लिंक पे, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वो क्लिक करना है, वो आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी, वो आपको भरते जाना है बस, और कोई कोई आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। मेरे टाइम पे क्या था कि मेरे को आरटीपीसीआर का जब हम गए और हाँ जब मैं गया था तो आरटीपीसीआर टेस्ट और ये अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता था, आपको वो अपलोड करना पड़ता था। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ सिंपल फॉर्म भरना है, अपनी डिटेल डालते जाइए, नीचे जाके उसको सबमिट कर दीजिए, एक आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो आपको सिर्फ वहां पर जाके दिखाना है और बाकी तो छुट्टी। बट भरिए, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ। एक दो बंदे मेरे को कहते हैं, मेरे को कमेंट्स में बोला उन लोगों ने कि जी हमारे से तो पूछा नहीं एयरलाइंस ने। अरे भैया कैसे नहीं पूछा यार, कैसे हो सकता है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, कैसे नहीं पूछा। अब मेरे को नहीं मालूम कि वो बंदा झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था, मैं आपको सही बताऊं, मैं ऐसे किसी के ऊपर नहीं बोलना चाहता, बट भरना है और मैंडेटरी है, आप प्लीज भरिए। क्यों नहीं भरोगे यार, क्या दिक्कत क्या है उसको भरने में, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई पैसे लग रहे हैं उसके, या आपसे गवर्नमेंट 200 रुपए चार्ज कर रही है या 500 रुपए ले रही है, फ्री की चीज है, फ्री में 2 मिनट बंदा वैसे ही ब्राउजिंग करते 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 भर लेता है। तो आप तो बहुत आसान हो गया है और आप तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप प्लीज भरिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ट्रैवल के टाइम पे जो जो माइंडेटरी जो जो चीजें माइंडेटरी हैं उनको प्लीज फॉलो करिए और उनको हमेशा उसको फॉलो करते हुए और उसको उसको समझिए कि ये बहुत जरूरी है। अगर कहीं पर भी कोई चीज अटक गई ना तो और कुछ नहीं होगा, आपका टाइम खराब होगा, एयरलाइंस वालों का टाइम खराब हो जाएगा और वो एयरलाइंस वाले इरिटेट होंगे और कुछ नहीं होगा, वो आपके ऊपर गुस्सा निकालेंगे या आप उनके ऊपर गुस्सा निकालोगे, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप बेटर ये है कि आप अपनी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, उसको आसान बनाओ, आसान बनाओ। फोन उठाओ और फोन में लिंक खोलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और सीधा फॉर्म भरो, सिंपल सबमिट कर दीजिए उसको, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और थाईलैंड रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपके जहन में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को मेरे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राकेश आनंद के नाम से मेरी आईडी है, ठीक है। दूसरी चीज, मेरा हमारा एक ग्रुप बना हुआ है एक्सपर्ट थाईलैंड ट्रैवल गाइड के नाम से, आप वहां पर आइए, उसको ज्वाइन करिए, जो भी आपकी इंक्वायरीज होंगी हम आपको पूरी की पूरी हेल्प करेंगे और आपको पूरा का पूरा बताएंगे। आप हमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको मैसेज के ऊपर पूरा रिप्लाई कर दूंगा, और अगर ज्यादा बात होगी तो मैं आपको नई चीजें समझ आ पा रही होंगी तो कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा होगा कुछ, तो उसको आसान करने के लिए ये तरीका ये भी है कि मैं आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी दे देता होता हूँ, जिसके अंदर आप मेरे को कॉल करके मेरे से पूरी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लेता मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि अगर आप देखो आप एक खुशी खुशी जा रहे हो एक थाईलैंड में, मुझे अच्छा लगता है कि लोग थाईलैंड जाते हैं, क्योंकि मेरा पता नहीं क्या है, मेरा लगाव है उस कंट्री के साथ में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरे वे में सोचें, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि यार बंदा सिर्फ किसी और काम से जाता है, ऐसा नहीं है। वहां पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी अच्छी घूमने की जगह है। मैं 9 बार क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को अब मेरा एक मोटिव बन चुका है कि मेरे को थाईलैंड एक्सप्लोर करना है। अभी मैंने बहुत ज्यादा हद तक एक्सप्लोर कर ली है, अब आगे मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं उसके अंदर बहुत आगे की चीजों को जाऊं, मैं इंजॉय करने जाता हूँ, मैं पार्टी भी करता हूँ, मैं एक्सप्लोर भी करता हूँ चीजों को, घूमने भी जाता हूँ, मैं अपना टाइम स्पेंड करने जाता हूँ, छुट्टियां मनाने जाता हूँ अपनी, बहुत बढ़िया। मेरा पता नहीं बहुत अच्छा लगाव है उस कंट्री के साथ में, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ भी है आपको प्रॉब्लम, तो आप मेरे को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, आपको एक एक चीज बता दूंगा कि ये करना और ये नहीं करना। ठीक है रवि जी, तो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड असिस्टेंस। इसका लिंक भी फेसबुक का मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपसे मैंने दो दो चीजों के लिए डिस्कस किया, हो सकता है कि आपके पास में कोई और इंक्वायरी हो आपके माइंड में कि मतलब मैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन कैसे लूं, कौन कौन सी जगह है वहां पे घूमने के लिए, कौन कौन सी बढ़िया चीज है, ये मेरे को करना चाहिए, मेरा पैसे कैसे सेव होंगे, वो भी मैं आपको वहां तक भी आपको मैं गाइड कर दूंगा उस चीज के लिए।
इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जब मर्जी। एक्सपर्ट थाईलैंड ट्रैवल गाइड के नाम पे ग्रुप है, आप वहां पर आइए, आप मेरे को अप्रोच कीजिए, असीम सर को अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग वहां पे अवेलेबल हैं, आपको पूरी पूरी हेल्प कर। ठीक है राकेश जी, तो इसके अलावा कोई चीज आपके दिलो दिमाग में सुख है? मैं तो कह तो रहा हूँ व्यूअर्स को, मैंने बोल दिया कि क्लियर कट बता दिया है कि अगर इनके दिमाग में कोई भी अगर ऐसी बात है, कोई भी इनके मन में सवाल है, ये मेरे को विजिट कर सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं, मतलब मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी रूप में। तो आप चैनल को तो फॉलो करते ही, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को द वार्निंग मैन अब्रॉड, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे आने वाले वीडियोस के। और असीम भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको जितनी भी ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी जो भी अपडेशंस होते हैं आपको टाइम टू टाइम सारा देते रहते हैं कि ये वीजा ये शुरू हो गया, ये वीजा गाइडलाइंस है, ये सुविधा की गाइडलाइंस है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो प्लीज फॉलो हिम एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। करेक्ट। चलिए गाइस, दैट्स इट। बहुत सारी बातें हमने कर ली, ये वीडियो भी काफी लंबी हो सकती है, तो आगे फ्यूचर में कोई और इनपुट्स आते हैं हमारे पास तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। बहुत चीजों पे बैकएंड पे काम चल रहा है, तो डेफिनेटली डाउन द लाइन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, गिव दिस वीडियो लाइक थम्स अप, एंड अगेन जैसे राकेश जी ने भी कहा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।